हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपने मेमोरी मैनेजमेंट का जो एरर आता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, वो कैसे ठीक करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 8 स्टेप्स बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने इस इशू को फिक्स करना है। स्टार्टिंग से हम बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस पे लेके चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस मेमोरी मैनेजमेंट का आने का कारण बता देता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों आपके सिस्टम में डिसाइड करती है कि किस टास्क में कितनी मेमोरी उसको एलोकेट करनी है। यही मेमोरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इसका कारण ये होता है आपके सिस्टम में कि आपके विंडो 10 की या कोई सा भी वर्जन आप यूज कर रहे होंगे, उसके अंदर जो फाइल्स होती है विंडोज की, वो करप्ट हो जाती है। कई कबार दोस्तों आप ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में जो आपके सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं होता, तो उस केस में भी ये एरर आ सकता है। तीसरा रीजन दोस्तों इसका ये हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस या फिर मालवेयर घुसा हुआ है, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है आपके सिस्टम में। चौथा रीजन दोस्तों हार्डवेयर चेंजेस, या फिर आपने अगर कोई हार्डवेयर चेंज किया है और वो ठीक से नहीं लगाया आपने, उसको कनेक्ट नहीं किया सही से, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। और कई कबार क्या होता है कि आपके रैम के अंदर जो है दोस्तों डस्ट वगैरह जम जाती है, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लीन कर ले अपना हार्डवेयर और फिर आपको इसको चेक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम पहले स्टेप पे लेकर चलता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगता है कि आपका हार्डवेयर ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों हमने सर्च बार में जाना है। पहले स्टेप पे विंडो अपडेट होने जरूरी है आपके सिस्टम की। चेक फॉर अपडेट करना आपको, विंडोज अपडेट पर क्लिक करना आपको। उसके बाद मेक श्योर कि दोस्तों आपका सिस्टम इसी तरीके से यू आर अप टू डेट रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन टिक बन के आ रखा है। अगर आपका सिस्टम दोस्तों यहाँ से अप टू डेट है, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे जो रीजंस होते हैं, बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं आपके सिस्टम में, ऑटोमेटिक वो फिनिश हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आपको सबसे पहले चेक फॉर अपडेट कर देना है इस तरीके से। अगर कोई भी अपडेट आपको दिख रहा है यहाँ पर अपने सिस्टम में, तो आपको अपडेटेड होना जरूरी है सिस्टम के लिए, और ये टाइम लगाएगा बट आपके सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट कर देगा। तो ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है, ये होना चाहिए आपके सिस्टम में। दूसरे स्टेप में दोस्तों इसका रीजन जो होता है, कई बार आप आउटडेटेड ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है आपके सिस्टम में। तो इसमें दोस्तों हमने ड्राइवर को अपडेट करना है। तो ड्राइवर को अपडेट करने के लिए आपको पता ही है हमें डिवाइस मैनेजर में जाना है। यहाँ पर डिवाइस उसके बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। इस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, अपडेट ड्राइवर, सर्च ऑटोमेटिकली करना आपको। मेक श्योर कि आप कनेक्टेड हो नेट से, और जैसे ये अगर ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आल ऑलरेडी इंस्टॉल, इसको क्लोज करना है। इस पर राइट क्लिक करना है, अपडेट, देन ये चूज करना है आपको। इसके बाद ये लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर। अब यहाँ से दोस्तों आप जो कुछ जो अपडेटेड ड्राइवर दिख रहा है यहाँ पर, वो वाला आप ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे भी आपका काम नहीं बन रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो बेसिक ड्राइवर है उसको आप ट्राई कर सकते हैं और फिर चेक करना आपको। अगर दोस्तों यहाँ से आपका अपडेटेड ड्राइवर को और माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर को भी यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपका इशू सॉल्व नहीं होता, तो आपको मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पर जाके जो भी आपके कंपनी का लैपटॉप है वहाँ से उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देना है, आपका इशू फिक्स हो जाएगा। ये ड्राइवर दोस्तों यहाँ से अपडेट कर दिया हमने। डिस्क ड्राइवर यहाँ से भी ये भी अपडेट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद ये मॉनिटर का ड्राइवर है दोस्तों, ये भी अपडेट कर देना है यहाँ से अगर आप सिस्टम यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 3-4 ड्राइवर यहाँ से अपडेट कर दिए। अगर ड्राइवर में दिक्कत होगी तो आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा यहीं से। अगर यहाँ से भी दोस्तों आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता, मैं आपको तीसरे स्टेप पे लेकर चलता हूँ। तीसरे स्टेप में दोस्तों हमने विंडोज की तरफ से जो मेमोरी डायग्नोस्टिंग का टूल है उसको चेक करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में मेमोरी टाइप करना है इस तरीके से। अब जैसे ही मेमोरी लिखेंगे, ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिंग, इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर।
और आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, रीस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर अ प्रॉब्लम। आपको ब्लू स्क्रीन दिखेगा दोस्तों, उसके बाद स्टेजेस दिखेंगे आपको। तो आप ये मत समझ आना कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया फिर से, ये उसको पूरा स्कैन करेगा आपकी मेमोरी का और आपका इशू सॉल्व कर देगा। अगर यहाँ से भी दोस्तों आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको अगला स्टेप पे लेकर चलता हूँ, स्टेप फोर में। स्टेप फोर में दोस्तों हमने मालवेयर या कोई वायरस वगैरह घुस गया आपके सिस्टम में वो फिक्स करना है। कई कबार मालवेयर वगैरह घुस जाता है आपके सिस्टम में, वायरसेस वगैरह, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है आपके सिस्टम में। विंडो के तरफ से दोस्तों विंडो डिफेंडर आता है जिससे आप अपने सिस्टम को पूरा स्कैन कर सकते हैं फ्री में, वो भी आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी यूजफुल टूल है। तो आपको यहाँ पर चले जाना है स्टार्ट मेन्यू में, सेटिंग का गेयर का आइकन है यहाँ पर जाना है आपको, देन आपको यहाँ पर जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखेगा विंडोज सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको उसके बाद यहाँ पर जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ऑन रहे आपके सिस्टम में, रियल टाइम प्रोटेक्शन वगैरह सारे ऑन होने चाहिए ये। अगर आप थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे दोस्तों तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कैन ऑप्शंस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना आपको, और ये आप देख सकते हैं ये स्कैन आपको चालू कर देना है यहाँ से फुल स्कैन, और यहाँ से स्कैन नाउ। इस तरीके से दोस्तों आपके पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी हार्ड ड्राइव्स होंगे उसको स्कैन करेगा वायरसेस को। देन उसके बाद जो भी आपको प्रॉम्प्ट दिखाया गया वायरस फाउंड और नॉट, तो टेक एक्शन करके आपको उसको रिमूव कर देना है। ये दोस्तों काफ़ी टाइम लगाएगा, तब तक आपको उसको चलने देना है यहाँ पर, और आपके अंदर अगर वायरस से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसको फिक्स कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ से दो तीन ऑप्शन और ट्राई कर सकते हैं इसका, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन, ये आपके सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा। और आपका सिस्टम पूरा रीस्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के अंदर ये इशू को सॉल्व कर देगा। चार स्टेप्स बता दिए दोस्तों मैंने आपको, अब मैं आपको पांचवें स्टेप पे लेकर चलता हूँ। पांचवें स्टेप में दोस्तों हमने सिस्टम फाइल चेकर की मदद से पूरी विंडो की जो करप्शन हो रही है विंडो के अंदर उसको फिक्स करना है। आपको सीएमडी में जाना है, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना आपको, यस करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक कमांड चलानी है sfc /scan now, sfc stands for system file checker। आपके विंडोज के अंदर पूरी जो करप्शन हो रखी होंगी फाइल्स के अंदर, ये उसको फिक्स करके रिपेयर कर देगा दोस्तों। 15 मिनट लगाएगा, तब तक आपको वेट करना है इसका। जैसे ही दोस्तों sfc कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपको अपना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। अगर आपका इशू यहाँ से भी फिक्स नहीं होता, अगले स्टेप पे लेकर चलता हूँ मैं आपको। अगला स्टेप आपको दिस पीसी में जाना है, जो भी कैशे जमा होता है दोस्तों आपके सिस्टम के अंदर वो आपको क्लीन करना है। यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज क्लीन ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से सारे टिक कर देने हैं, ओके कर देना है आपको इनको, डिलीट फाइल्स, इस तरीके से दोस्तों आपको ये करना है। उसके बाद साथ साथ आपको विंडो आर करना है, यहाँ से टेम्प लिखना है आपको, टेम्प फाइल डिलीट कर देनी है। ये देखो ये दोस्तों बहुत सारी टेम्प फाइल बनती है आपके सिस्टम के अंदर जो भी आप काम करते हैं, कंट्रोल ए कर दोस्तों टेम्प फाइल हमने डिलीट कर दी शिफ्ट डिलीट के साथ। अब आपको विंडो आर करना है फिर से, और आपको यहाँ पर प्रीफेच लिखना है, ओके कर देना आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर परमिशन के लिए पूछेगा तो आपको यस कर देना है कंट्रोल ए के साथ इसको भी। यहाँ से दोस्तों हमने प्रीफेच और टेम्प फाइल यहाँ से कैशे जो जमा होता है आपके सिस्टम के अंदर डिलीट कर दिए। मैं आपको अब सातवें स्टेप पे लेकर चलता हूँ। सातवें स्टेप में हमने रीसेट करना है अपना पीसी। आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है रीसेट दिस पीसी, ये ऑप्शन दिखेगा आपको। आपको उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रीसेट के नीचे गेट स्टार्टेड,
इन दोनों का दोस्तों मतलब बता देता हूँ मैं आपको ये स्टेप परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, बहुत सारे यूजर इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं सही से। आपको ये चूज़ करना है कीप माई फाइल्स, इससे क्या होगा जो आपकी पर्सनल सेटिंग है वो तो डिलीट हो जाएगी, जो ऐप्स वगैरह आपने इंस्टॉल किया वो डिलीट हो जाएंगे, बट आपकी पर्सनल फाइल जो वीडियो है, एक्सेल है या इमेजेस वगैरह वो सेफ रहेंगी, और आपका एमएस ऑफिस दोस्तों यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ये परफॉर्म करने के बाद, और रिमूव एवरीथिंग से आपका सब कुछ यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, फाइल एप्स एंड सेटिंग। आपको ये चूज करना है कीप माई फाइल्स, उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस में से दोस्तों आपको लोकल इंस्टॉल चूज करना है। यहाँ से आप दोस्तों ये वाला भी चूज कर सकते हैं क्लाउड डाउनलोड, यहाँ से आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी 4 GB के बराबर। अगर आपके सिस्टम के अंदर करप्शन हो रखी है फाइल्स के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा क्लाउड डाउनलोड, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है दोस्तों 4 GB के लगभग डेटा लेगा, तो आपको कनेक्ट करना है नेट से। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं लोकल रीइंस्टॉल का। नेक्स्ट, लोकल रीइंस्टॉल और क्लाउड डाउनलोड दोस्तों इन दोनों का ये मतलब है कि लोकल रीइंस्टॉल से विंडोज के अंदर जो फाइल्स होंगी उसी के अंदर से ही इंस्टॉल कर देगा, क्लाउड डाउनलोड से इंटरनेट की हेल्प से ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से फाइल प्रोवाइड कराएगा आपको, तो वही बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारे विंडोज के अंदर करप्शन हो रही है उसकी वजह से एरर आ रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्क के अंदर एडिशनल देख सकता है फ्री स्पेस इज नीडेड ऑन सी ड्राइव, दोस्तों आपके सी ड्राइव के अंदर लगभग 25 GB के बराबर खाली स्पेस होना चाहिए ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए। आपको यहाँ से उसके बाद रीसेट नाउ पे क्लिक कर देना है, आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अगर दोस्तों आपका इशू इन 7 स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी विंडो 10 या फिर दूसरे वर्जन की। उसके लिए दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस तरीके से आप फ्रेश इंस्टॉलेशन कर सकते हैं विंडो का, बूटेबल फाइल बनाने से लेके और इंस्टॉलेशन तक। आई होप कि कोई ना कोई स्टेप आपके सिस्टम में काम कर गया होगा। अगर दोस्तों आपका इशू सॉल्व हो गया हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स दैट।